hello everybody today i am going to discuss about words that are arranged according to the english dictionary this video will be helpful for you all grammar and competition exam like in reasoning there are many type of question that you have to arrange uh, according to the dictionary words so let us discuss about these फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वेंट टू टेल यू टू चेक द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी जब आप इंग्लिश डिक्शनरी में किसी वर्ड का ऑर्डर चेक करते हो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड सबसे पहले आपको हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर चेक करना है कि वैदर द वर्ड इज़ स्टार्टिंग विद ए बी सी तो आपको क्या करना है उसका फर्स्ट लेटर चेक करना है टू फाइंड आउट विच अमंग दीज कम्स फर्स्ट कि इनमें से सब में से पहले नंबर पे कौन सा आता है इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय द सेकंड लेटर एंड सो ऑन फिर इसके बाद हम इसका कैसे लेटर चेक करेंगे लाइक सेकंड लेटर क्या है इसमें एप्पल में सेकंड लेटर क्या है पी तो जैसे ए से ये एक और वर्ड है हम कहते हैं एप तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे सेकंड लेटर चेक करेंगे फिर उसका थर्ड लेटर चेक करेंगे एंड सो उन फिर आगे उसके लेटर्स चेक करते जाएंगे कि कौन सा वर्ड किसके बाद में आना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ए बी सी से समझाती हूँ यहाँ पर देखिए जैसे मान लो हमारे पास ए से एप्पल होता है बी से बॉल होता है सी से कैट है डी से डॉग है ई e से एलिफेंट है ये वर्ड्स हमें दे दिए जाते हैं सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा होता है एलिफेंट लिखा होता है दूसरे पे कैट लिखा होता है तीसरे पे डॉग लिखा होता है चौथे पे क्या लिखा होता है बॉल लिखा होता है फिफ्थ पे क्या लिखा होता है आपका एप्पल लिखा होता है तो आपको क्या कहा जाता है कि इनको रीअरेंज कीजिए सबसे पहले आप क्या करोगे हर एक का फर्स्ट लेटर फाइंड करोगे फर्स्ट लेटर जो आपका ये ए से स्टार्ट होता है एप्पल वाला मिलेगा तो आप उसको नंबर वन दे दोगे फिर उसके बाद आप सेकेंड लेटर फर्स्ट लेटर उसी का चेक करोगे कि बी से कौन सा स्टार्ट होने वाला है उसको लेटर टू दे दोगे जो सी से स्टार्ट होने वाला है उसको थर्ड जो

एप्पल तो आप यहाँ वन पे क्या कर राइट कर दोगे एप्पल तो आगे आप आते हो बी से वर्ड स्टार्ट होने वाला कौन है यहाँ पे चेक लीजिए ए से एक ही वर्ड था बी से कौन सा है ब्लोसम तो आप ये यहाँ पे राइट कर दोगे जो आपका सेकंड लेटर है सेकंड वर्ड है फिर आप जाते हो सी पे सी से कौन सा स्टार्ट होने वाला है क्रिप्स तो आप इसको राइट कर दोगे फिर आप चेक करते हो डी से कोई वर्ड स्टार्ट होने वाला है नहीं है यहाँ पे कोई नहीं आएगा फिर ई से देखिए आगे एफ़ से देखिए एफ़ से आपके पास है यहाँ पे फ्रूट फिर नेक्स्ट आइए आप जी से कोई नहीं है एच से आइए नहीं है सॉरी एच से है आपका हेल्दी तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे फिफ्थ पे हेल्दी फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं आई जे के एल एम, एम एन ओ ओ से आपको मिलेगा यहाँ पे और चार्ड नेक्स्ट चेक करते हैं हम पी पी से क्या है यहाँ पे अब यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पे पी से प्लांट भी है और पाई भी है तो हमें क्या चेक करना है फर्स्ट लेटर दोनों का सेम है हम जाएंगे अब सेकंड लेटर पे सेकंड लेटर में हम चेक करते हैं कि पहले आई आता है पहले एल आता है तो ए बी सी देखिए अपनी ए बी सी में क्या आता है सबसे पहले पहले आपका आई आएगा और उसके बाद आपका क्या आता है एल आता है तो आप क्या करोगे इसको जो ये आई वाला है ये आपका आई वाला इसको आप पहले राइट करोगे और जो आपका प्लांट वाला है उसको आप बाद में राइट करोगे पी के बाद क्या आता है क्यू आर आर से कोई वर्ड नहीं है एस अब एस से देखिए यहाँ पे एस से भी आपके पास टू वर्ड्स हैं सीड और स्वीट्स सीड में फर्स्ट लेटर दोनों में देखो एस सेम है सेकंड लेटर पे आइए एक में ई e है और दूसरे में डब्ल्यू है तो अपनी ए बी सी आइए सबसे पहले आपका क्या आता है ई e आता है बाद में आपका क्या आता है डब्ल्यू आता है सो so आप क्या करोगे जो आपका सीड्स है उसको आप यहाँ पर राइट करोगे और जो आपका स्वीट है उसको आप यहाँ पे राइट करोगे एक बार फिर से चेक कर लीजिए देखो ए से स्टार्ट होने वाला हमारे पास एप्पल है इसको नंबर वन देंगे बी से स्टार्ट होने वाला हमारे पास ब्लूसम है इसको टू देंगे सी से स्टार्ट होने वाला हमारे पास क्रिप्स है इसको थ्री नंबर देंगे डी से स्टार्ट होने वाला हमारे पास कोई भी नहीं है डी ई एफ एफ पे जाइए एफ से स्टार्ट होने वाला फ्रूट है जी एच एच से स्टार्ट होने वाला आपके पास हेल्दी है नेक्स्ट आई जे के एल एम एन ओ ओ से स्टार्ट होने वाला ये है ओ चार्ड पी पी से स्टार्ट होने वाले आपको दो बताए थे एक है आपका प्लांट दूसरा है पाए पहले आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे पहले पाए आएगा और बाद में क्या आएगा प्लांट आएगा नेक्स्ट देखिए क्यों आर एस एस से स्टार्ट होने वाले आपके पास टू वर्ड्स हैं तो आपका पहले कौन सा आएगा सीड्स आएगा और एंड पे कौन सा आएगा स्वीट आएगा सो so ये तो था कि आप ए बी सी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो एक आपको और एग्जाम्पल देती हूँ जहाँ पर आपके पास एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ वर्ड्स दे दी जाती हैं कि इनमें से रीअरेंज कीजिए कि इनमें से फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा सेकेंड पर कौन सा एगा तो उसके लिए आपको क्या करना होता है सबसे पहले आप उसका फर्स्ट लेटर चेक करोगे फर्स्ट के बाद अगर फर्स्ट लेटर तो सबका सेम है फिर सेकेंड लेटर पर जाओगे सेकेंड लेटर चेक करके कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में फिर थर्ड लेटर पर जाइए ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ एंड सो so ऑन आपको ऐसे ही चेक करना है तो यहां पर देखिए क्या है ये आपको जी से स्टार्ट होने वाले जो लेटर हमारा जी है जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स दिए हैं तो आप देखिए फर्स्ट लेटर सबका चेक करते हैं फर्स्ट लेटर सबका क्या मिला आपको जी सेकंड लेटर चेक करते हैं आप सबका सेकंड लेटर आपको सबका क्या मिल रहा है यहाँ पे आर थर्ड लेटर को चेक करते हैं सभी में थर्ड लेटर सभी में क्या मिल रहा है आपको ए देखो कितनी कंफ्यूजन है यहां पे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं फोर्थ लेटर चेक कीजिए आगे फोर्थ लेटर में आपको मिल रहे हैं लेटर एन पी पी एस एस तो आप क्या करोगे इनमें से देखिए सबसे पहले क्या आता है अपनी पूरी एबीसी को दोबारा से चेक कीजिए एन पी एस तो यहाँ पे देखिए एन क्या है सबसे पहले नंबर पे आपका एन आएगा दूसरे नंबर पे पी आएगा और तीसरे पे क्या आएगा एस आएगा तो हो चुकी है आपकी कंफ्यूजन दूर तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एन वाले को उठाएंगे एन वाला कौन सा है ग्रेफाइट आपका आएगा नंबर 1 पे फिर हम आते हैं पी वाले पे पी में आपके पास थर्ड लेट फोर्थ लेटर जिसमें पी है दोनों पी वाले हैं फिर फिफ्थ लेटर पे आइए फिफ्थ लेटर एक में है आपका ई e, और एक में है एच पहले क्या आता है ई e आता है इसलिए हम यहाँ पे इसको सेकंड नंबर पे लेंगे दूसरे नंबर पे क्या आता है एच आता है उसको हम थर्ड नंबर पे लेंगे सेम लाइक like आप यहाँ पे आइए फोर्थ लेटर जो है आपका ग्रेस में फोर्थ ग्रेस में फोर्थ लेटर क्या है एस है तो आप फिफ्थ लेटर पर आइए फिफ्थ लेटर क्या है आपका एक में पी है और एक में क्या है फिफ्थ लेटर एस तो अपनी ए बी सी आ जाइए दोबारा से पहले पी आता है पहले एस आता है देखो पहले नंबर पे पी आएगा फिर सेकंड पे एस आएगा तो हम क्या करेंगे इसको नंबर करेंगे फोर्थ इसको करेंगे फिफ्थ तो हमने क्या किया फर्स्ट नंबर ये है सेकंड नंबर ये है थर्ड नंबर ये है फोर्थ नंबर ये है फिफ्थ नंबर ये है तो ये हमारी क्या है वर्ड्स की रीअरेंजमेंट है आपको सबसे पहले फर्स्ट लेटर चेक करना होता है अगर वो सेम है देन गो ऑन सेकंड अगर सेकंड भी सेम है गो ऑन थर्ड नेक्स्ट गो ऑन फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन तो आपको ऐसे ही इसकी लेटर की अरेंजमेंट करनी होती है So, thank you all for watching. I request you all, if you have not subscribed my channel yet, please subscribe me to support me more and more. I'm making videos for you. Thank you all for watching.